अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, ये जो कमेटी कमेटी भी खेल रहे हैं, मैंने वो दे दिया, रिपोर्ट भिजवा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाईजन ये इतने करोड़ का नुकसान है, ये सिर्फ याची करने जा रहे हैं, ये होटल वहां शेरेटन हैदराबाद में, फिर चेन्नई में, फिर अहमदाबाद में, फिर कोलकाता में, इतने करोड़ का टीका लगेगा, इनकी डीएडीए बनेगा, कोई भी नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, तो इसको वर्ल्ड कप की तरह लिया जाए और ट्रस्ट किया जाए जो होस्ट होता है। और देखें, अगर मिनिस्टर ये बयान है, पहले तो देखें दो डिफरेंट चीजें हैं, एक आईसीसी है, एक एशियन क्रिकेट काउंसिल है। अगर आज आप कहते हैं इंडिया नहीं आ रहा और पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड पे करें, अवल तो ये नामुमकिन है। चले लेट सपोज पाकिस्तान जीत करता है, नहीं जाता, आप कोई और टीम लाते हैं, वर्ल्ड कप हो जाता है। 2025 की वर्ल्ड कप जो है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, वो पाकिस्तान में है। जब आप इंडिया को ये कहते हैं कि हमने हाइब्रिड खेलना है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट इंडिया के, वो कहेंगे नमस्कार, कैसे हैं आप, ठीक है, हम पधार रहे हैं आपके घर में, तो हमारा स्वागत कीजिए। ऑब्वियसली आप भी नहीं आएंगे, लेकिन ना जब हम जाएंगे 2025 में, जब हो सकता है 2025 में आईसीसी का चेयरमैन जय शाह साहब हो, यू जी नेवर नो, बिल्कुल बिल्कुल यू पॉसिबल नेवर है। नो, यू नेवर नो, तो यस आप कैसे कहेंगे उन्हें, रोहित जुगलान साहब के, हम तो आपके घर नहीं भी आए थे, आप हमारे घर में पधारे। यहां दो चीजें हैं, मैं क्रेडिट दूंगा और दिल से कह रहा हूं, 2018 में आपने पाकिस्तान को कमिटेड किया और एशिया कप दुबई में, यूएई में करवाया। 2023 में आपको शुरू से कह रहा था, ऑफ द एयर भी, जब भी मेरी आपकी बात हो रही थी, मैंने आपको 4 महीने पहले कहा था श्रीलंका और पाकिस्तान में होंगे, मैंने आपसे कहा था ये सब कुछ हो जाएगा साइड लाइन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बड़ा दिन जो है वो जय शाह साहब करेंगे। याद है मेरी बातें बिल्कुल आपको, बिल्कुल और बिल्कुल वही याद है। हुआ कि जय शाह साहब ने बड़ा दिल किया। देखिए पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि कुछ मैच हमें दिए जाए। अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इंडिया ने कहा था हम नहीं आ रहे, तो वो नहीं आए तो ये विन विन है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, इस बात में कोई वो नहीं है। देखें हम भी नहीं गए, वो भी नहीं आए, फिर आप यहीं पे खड़े रह जाते। अगर आप इसमें देखें कि देखें आपने जो मांगा वो दे दिया, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई ने आपको दिया, आपको फेस सेविंग भी दी, सबसे बढ़ के बीसीसीआई के साथ बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, नेपाल तो बेचारा क्या कहना, बहरहाल वो भी था, फिर भी बड़ा दिल किया और पाकिस्तान को। देखें अगर कोई मुझे ये कहे कि 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, मेरी समझता बीसीसीआई के लिए ये पीनट से ज्यादा है, ये पीनट से ज्यादा बीसीसीआई के लिए नहीं है, ना उनको इसकी फिक्र है स्टार स्पोर्ट्स क्या कह रहा है, स्टार क्रिकेट क्या कह रहा है, स्पॉन्सर्स क्या कह रहे हैं, मेरी समझ, ठीक है करोड़ों का लॉस है तो वो दोनों तरफ है, वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ लॉस है, आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, हम लॉस उस तरह, क्योंकि हमने एक फौज जफरे मौज रखी है नलायक रेलू कट्टों की, जो लाखों रुपए प्लेयर की, ये बात याद रखिएगा, हमारा टॉप प्लेयर है बाबर आजम, उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा फैसल अस्नान की सैलरी है, कई गुना ज्यादा, मोर देन डबल, आप इससे अंदाजा लगा ले कि रोहित साहब ये हमें, मैं समझता हूँ ये अच्छा डिसीजन है कि कम से कम बर्फ पिघली है, पाकिस्तान में भी कुछ मैच होंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ आप आ जाए लाहौर, इंडियन जर्नलिस्ट अलाउड है कवर करने के लिए एशिया कप, तो अगर आप आएंगे तो मैं भी लाहौर आ जाऊंगा, वरना फिर मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, थैंक यू इसके लिए।